सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर खूब सुर्खियों में है। बता दें कि ईद के मौके पर सलमान खान ने अपनी ये फिल्म रिलीज की है। आज सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को रिलीज का आज तीसरा दिन है। बता दें कि फिल्म को लेकर फैंस के बीच बस तो काफी देखने को मिल रहा है, लेकिन यही प्यार फिल्म को उसकी ओपनिंग डे के दिन नहीं मिला। सबको उम्मीद थी कि रिलीज के पहले दिन किसी का भाई किसी की जान छप्पर फाड़ कमाई करेगी, लेकिन निराश होने वाली कोई बात नहीं है। सलमान खान की चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। किसी का भाई किसी की जान ने रिलीज के दूसरे दिन फैंस की उम्मीदों को फिर से बढ़ा दिया है। दूसरे दिन के आंकड़ों में भारी उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद भाईजान के फैंस की खुशी को कोई ठिकाना नहीं है। किसी का भाई किसी की जान के बॉक्स ऑफिस पे दूसरे दिन के आंकड़ों की रिपोर्ट आ गई है। दूसरे दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो सैकनिल की रिपोर्ट के अनुसार किसी का भाई किसी की जान ने 25 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। सही सुना आपने, ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म को फैंस ने जमकर प्यार दिया है। हालांकि इस प्यार की उम्मीद पहले दिन भी की जा सकती थी। अब शनिवार और रविवार के आंकड़ों पर सबकी नजर है। माना जा रहा है कि दो दिन की छुट्टी का किसी का भाई किसी की जान को पूरा फायदा मिलेगा। वहीं पहले दिन किसी का भाई किसी की जान ने महज 15 करोड़ की कमाई की थी। ईद के मौके पर इतनी कम कमाई करने वाली सलमान खान की पहली फिल्म थी। बता दें कि ईद से ठीक एक दिन पहले फिल्म को रिलीज करना सलमान खान के लिए थोड़ा गलत साबित हुआ। दरअसल 21 अप्रैल को रमजान का आखिरी दिन था। ऐसे में लोग रमजान को अलविदा करने की तैयारी में बिजी थे, इसलिए फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई। हालांकि अगले दिन सलमान के फैंस ने पहले दिन की कमी को भी पूरा कर लिया। फिल्म ने काफी अच्छे आंकड़े हासिल किए हैं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जनहित टाइम्स।